हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एलपीसी ग्रुप के यूट्यूब चैनल एलपीसी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने सीखा था त्रिकोणमिति के बारे में, जो बेसिक नॉलेज चल रही थी उसी में थोड़ा आगे चलेंगे आज हम। कल मैंने लास्ट आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया था, किस तरह से ज्योमेट्री होती है, क्वाड्रेंट होते हैं, इनका यूज किया जाता है। इसी ज्योमेट्री में आगे चलते हैं। कल मैं बता दिया था आपको कि इसमें और पॉइंट कैसे होते हैं, साइन कोसाइन पॉइंट इसमें कैसे होते हैं, इसमें टेन और कोटी क्यों होते हैं, इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं। आज हम क्या करेंगे, सर्वसम्मत कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात सीखेंगे। जो वैल्यू दी गई है 0 प्लस थीटा 90 थीटा, इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो पहले मैं लेता हूँ, पहला रेशियो लेता हूँ, संबंध है आपका 0 प्लस थीटा का लेता हूँ। 0 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा भी ओनली लिख सकते हैं, ठीक ना। 0 प्लस थीटा, थीटा एक ही बात है कि जीरो में हम कोई वैल्यू प्लस करें या किसी वैल्यू में जीरो को ऐड करते हैं तो सेम वही वैल्यू रहती है। तो सिंपल होगा, थीटा चेंज, जीरो का चेंज तो होता नहीं है, तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा। ऐसे इनके जो इनवर्स हैं उनका भी सेम रहेगा। मैं केवल साइन को टेन को लेकर चलूंगा, तो साइन कोसेक जो साइन के साथ होगा वो कोसेक के साथ होगा, जो कोस के साथ होगा वो सेक के साथ होगा, जो टेन के साथ होगा वो कोट के साथ होगा, क्योंकि साइन कोसेक साथ में है, टेन कोट साथ में है और कोस सेक साथ में है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, 0 प्लस थीटा लिया है तो मैं 0 माइनस थीटा दिखता हूँ, 0 माइनस थीटा, इससे हम लिख सकते हैं माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में वैल्यू माइनस करते हैं तो भी वैल्यू नेगेटिव होती है। माइनस थीटा का था तो यहाँ पर मैं माइनस थीटा ही रखा है, ठीक है ना। अब चेक करेंगे, साइन में चेक करते हैं, तो हमने लिखा साइन 0 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा या फिर कह सकते हैं माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही बात करें कॉस 0 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा। अब सवाल आता है, पहली बात करें तो 0 प्लस थीटा किसमें था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था 0 प्लस थीटा, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसी सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। पर लेकिन बात करें 0 माइनस थीटा के बारे में, तो 0 माइनस थीटा आपको किसमें आता है, फोर्थ में आता है। फोर्थ में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, सब नेगेटिव होंगे, इसीलिए साइन 0 माइनस थीटा था वो नेगेटिव आया है। पर लेकिन कॉस 0 माइनस थीटा की बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। हम टेन की बात करेंगे, टेन 0 माइनस थीटा या फिर टेन माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का टेन थीटा। केवल कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और सब नेगेटिव होंगे। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं, जो ले लेते हैं हम 90 माइनस थीटा, लेते हैं 90 टर्म में, लेते हैं हम 0 टर्म में हो गया हमारा, हम लेते हैं 90 टर्म में लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इस पर क्या होगा। तो कल हमने बताया था कि आपका 0 पर 180 और 360 या 360 का मल्टीपल है उस पर नो चेंज होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होती है। पर लेकिन 90, 270 या फिर और जो भी और मल्टीपल है 90 की, वहां पर चेंज हो जाता है, चेंज, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, तो साइन 90 में थीटा, तो 90 आ रहा है तो 90 पर साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होता है कोस में। कल बताया था मैंने कि साइन क्यों चेंज होगा, साइन चेंज होता है कोस में और कोस होता है साइन में, ठीक ना। ऐसे ही टेन चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेन में, ऐसे ही सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में, तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा तो कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 90 माइनस थीटा कैसा है,
फर्स्ट में है तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बात करते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोसेक का, सेक का और cot का रिलेशन रहेगा, आगे हम करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, फोर्थ कंडीशन। अब मान के चलते हैं कि थीटा जो है 90 से बड़ा है, तो 90 प्लस थीटा है, थीटा कैसा है 90 प्लस थीटा है, तो हम इसमें बात करें, तो हम बात करें साइन में, तो साइन 90 प्लस थीटा बात करें तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, सेकंड 90 प्लस थीटा है, तो सेकंड में क्या होता है साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रहेंगे और सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो साइन का चेंज होगा 90 पर, तो कोसेक कॉस थीटा जो पॉजिटिव आएगा। हम बात करें कॉस की, तो कॉस 90 प्लस थीटा इस पर हो जाएगा, कॉस भी चेंज होगा साइन में, तो साइन थीटा पर नेगेटिव आएगा, कैसा होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चेंज होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करें टेन की, तो टेन 90 प्लस थीटा इस पर होगा माइनस का कोट थीटा, केवल साइन और कोसाइन ही पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और सब नेगेटिव होंगे। फिफ्थ कंडीशन देखते हैं क्या ले हम, अब ले लेते हैं 90 का हो गया, अब 180 ले चलते हैं, तो 180 माइनस थीटा ले चलते हैं पहले, फिर प्लस में लेंगे हम, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 पे चेंज, नो चेंज होता है, नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा। अब चेक करेंगे 180 माइनस थीटा किस में, सेकंड में, जहां साइन पॉजिटिव होता है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब बात करें कॉस 180 माइनस थीटा के बारे में, तो ठीक है ना, तो यहां पे आएगा कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, थीटा थीटा हो जाएगा, पर लेकिन इसमें क्या है सेकंड में साइन कोसाइन की पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे क्या है नेगेटिव आ जाएगा। इसे टेन की बात करें, टेन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, उसमें टेन भी नेगेटिव होता है तो टेन भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ऐसी बात करेंगे सिक्स्थ में, करनी सिक्स में देखेंगे 180 प्लस थीटा लेंगे, अगर माइनस दिया था प्लस कर लेंगे चलते 180 को, तो 180 प्लस थीटा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और सब नेगेटिव होंगे, तो साइन का चेक किया पहले, साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा 180 चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा होगा, पर लेकिन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी थर्ड में, ये तो थर्ड में होने से साइन नेगेटिव आएगा। हम बात कर रहे हैं कॉस 180 माइनस थीटा के बारे में, सॉरी 180 प्लस थीटा के बारे में, तो ये आपका कॉस थीटा ही रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। जब बात करेंगे टेन 180 प्लस थीटा के बारे में, तो हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होता है तो टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें सेवन कंडीशन की, अब 180 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, अब चलते हैं 270 के पास, तो लिखेंगे 270 माइनस थीटा, इसका नीचे चेक करते हैं, तो साइन 270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 का चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हुआ कॉस में, तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब चेक करें 270 माइनस थीटा के सूत्र में, तो हमने देखा 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड में क्या होता है टेन कॉट पॉजिटिव है और सब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसी बात करेंगे कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा जो भी नेगेटिव होगा। अब बात करेंगे टेन 270 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा, ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन क्या होगा उसमें टेन है, तो टेन यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब बात एट कंडीशन की, अब कंडीशन एट में क्या लेंगे, 270 माइनस थीटा लिया पहले, अब लेंगे हम 270 प्लस थीटा लेंगे, इसमें चेक करते हैं,
तो 270 प्लस थीटा की बात करें हम इसमें, तो पहले लेंगे साइन के साथ लेंगे साइन 270 प्लस थीटा, 270 का साइन चेंज होगा कॉस में हो जाएगा। अब चेक करेंगे 270 प्लस थीटा है कहां पर है, तो हमने देखा फोर्थ के अंदर है, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है और सब नेगेटिव है, फिर हम इसलिए साइन वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब बात करेंगे कॉस 270 प्लस थीटा के बारे में, यहां पर बात करेंगे cos 270 प्लस थीटा के बारे में, तो हमने देखा ये वैल्यू किसके अंदर है, फोर्थ के अंदर है, cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा sin थीटा। सेम ऐसे ही बात करेंगे tan के बारे में, तो tan 270 प्लस थीटा, तो बात करेंगे 270 प्लस थीटा कि चेंज हो जाएगा cot में, सॉरी यहां पर पॉजिटिव आएगी वैल्यू, cos यहां पर नेगेटिव लिख दिया था मैंने, पॉजिटिव है यहां पर, तो बात करें tan 270 प्लस थीटा के बारे में तो क्या हो जाएगा cot थीटा जो कैसा होगा नेगेटिव होगा, केवल cos वाला पॉजिटिव होगा और sec वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। कंडीशन 9 लेते हैं हम, ठीक है ना, कंडीशन 9 में क्या लेते हैं, अब लेते हैं 360 का, तो 360 माइनस थीटा को लेंगे हम, ठीक है ना। तो हम बात करें 360 माइनस थीटा के बारे में, तो sin 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 पे साइन चेंज होगा नहीं होगा, तो साइन का साइन रहेगा साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे 360 माइनस थीटा किसमें, फोर्थ में, फोर्थ में क्या है कॉस और सेक पॉजिटिव है इसलिए ये नेगेटिव आएगा। अब बात करेंगे कॉस 360 माइनस थीटा के बारे में, ये पॉजिटिव आएगा cos थीटा। अब बात करें tan 360 माइनस थीटा के बारे में जो कैसा आएगा आपका tan इसमें कैसा है नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा tan थीटा। ऐसे ही कुछ सेक सेक और cot निकाल लेंगे, ठीक है ना। कंडीशन में tan की बात करें तो tan में हम देखेंगे 360 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो बात करें 360 प्लस थीटा के बारे में, तो आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ गई ये वैल्यू 360 प्लस थीटा। तो पहले बात करते हैं साइन के साथ, तो साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 पे क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा साइन का साइन थीटा रहेगा, पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती है, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। ऐसे ही कॉस का लेंगे, कॉस 360 प्लस थीटा, ये भी cos थीटा होगा जो पॉजिटिव आएगा। हम tan का लेंगे, tan 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। एक और कंडीशन ले लेते हैं हम, क्या लेंगे हम n मल्टीपल ऑफ 360, यहाँ पे n कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक ना, और प्लस थीटा की बात करें तो ऐसे में क्या करेंगे हम sin n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा। तो दोस्तों जो कंडीशन 360 प्लस थीटा के साथ होती है सेम इसी के साथ होती है, केवल n का मल्टीप्लाई इसमें लग जाता है बस, केवल तो सेम प्रोसेस रहेगी, तो ठीक ना, कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा फिर हम क्या आ जाएगा sin थीटा। ऐसे ही cos n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा या तो हो जाएगा cos थीटा, ऐसे tan n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा तो हो जाएगा cot थीटा। इस प्रकार हमने आज इस से संबंध कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात समझा, ठीक है, जो एलाइड एंगल्स होते हैं उनका त्रिकोणमितीय रेशियो समझा, ये सब फॉर्मूले एक तरह से कंडीशन के रेशियो के इनसे संबंधित क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।